आपका जो सवाल है कि आज के टाइम में जितने भी लोग हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कहीं से भी, जितनों को भी हम बाहर देखते हैं किसी भी जगह पे, पब्लिक प्लेस में कहीं भी, अगर आप उनके चेहरे को देखें तो किसी न किसी चिंता से ग्रसित हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर आप उनके डीप में जाएं, उनसे पता लगाएं, तो वो संपूर्ण है अपने आप में। आपने जो सवाल पूछा बिल्कुल सही है कि हमेशा चिंता में क्यों रहते हैं। उनके चेहरे पे हमेशा किसी न किसी तरह की चिंता है, ऐसा लगता है कुछ खाए जा रहा है कुछ अंदर से। और कई लोगों से पूछा गया है कि आपको किस चीज की कमी है, तो बातों से पता लगा है कि उनके पास सब कुछ है, अपना घर भी है, अपना पैसा भी है, नौकरी भी है, जॉब भी है, सब कुछ है। ये सब कुछ होने के बावजूद वो परेशान क्यों है? आपने जो पूछा उसका बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि बात कुछ है ही नहीं, बेवजह की उनको परेशानी है। परेशानी इसलिए है क्योंकि उनकी चाहत बहुत ज्यादा है, हर चीज से उनको एक्सपेक्टेशंस हैं। वो चाहते हैं जो मैं कर रहा हूं वो सही है, और जो मैं चाह रहा हूं मुझे उसके रिजल्ट्स मिल जाए फटाक से, मुझे किसी तरह की देरी नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को संपूर्ण मान बैठे हैं। वो एक तरीके से देखा जाए, अगर वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं तो वो ये समझते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं इनके लिए, तो मुझे जो चाहिए मुझे इनसे मिलना चाहिए, मुझे आदर मिलना चाहिए। वो अपनी ड्यूटी को हटा के वो समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ यही सही है, और इनसे मुझे पूरा वो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, जैसे मैं कहूँ वैसा होना चाहिए। तो एक चीज़ को हमेशा वो भूल जाते हैं कि प्रकृति का नियम है चेंज, आपके अनुसार कुछ चलेगा ही नहीं। आप जितनी मर्जी चिंताएं कर लें, उसका कोई कोई उसका निजात आपको मिलेगा ही नहीं, कोई उसका आपको कुछ निवारण नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने आप में उलझते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। बच्चे से ले लो, वाइफ से ले लो, किसी से भी ले लो, आप परेशान रहेंगे ही रहेंगे। इसका एक सिंपल सा एक मैं आपको उदाहरण ये दूंगा कि जैसे आप घर पे आते हैं, बच्चे को आप अगर उसके लिए कुछ लाते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको अच्छे से हग करे, और आपको आपने जो 100% सोचा था कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहेंगे वाह इससे पहले तो मैंने ऐसे कुछ देखा ही नहीं, पापा यू आर सो ग्रेटफुल, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा रिस्पॉन्स आपको मिलता ही नहीं है, तो आपका एनर्जी लेवल वहीं डाउन होना शुरू हुआ। अब आप कहेंगे मुझे घर आते क्रोध क्यों आता है? क्रोध आने का रीज़न यही है कि आपने जो सोचा था वो आपको मिला ही नहीं। वाइफ के लिए कुछ लाए, आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो आपने सोचा है, क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहूंगा, आप एक भ्रमित दुनिया में हैं, आपने इस सृष्टि को पहचाना ही नहीं है। आप जब ये मान लेंगे कि मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, हमेशा इसका इसका निदान, इस समस्या का, अगर चिंता से आपको मुक्त होना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं हर चीज का, हर क्षण का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ दें। मैं तो ये कहूंगा फैमिली से भी छोड़िए, आप किसी भी चीज से, आपने सिर्फ देना है, आपका भाव आपका स्वभाव सिर्फ देने का होना चाहिए, लेने का नहीं होना चाहिए। ये तो शुरू से गीता में भी यही चीज बोली गई है कि आपने सिर्फ कर्म करने, रिजल्ट्स की आपने अपेक्षा नहीं करनी है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि मैं तो भावनाओं के साथ बह रहा हूँ, भावनाओं के साथ, तो उनकी भावनाओं के साथ मैं चाहता हूँ कि मेरी भावनाएं मैच करें, ऐसा नहीं है। आपके बच्चे की सोच, आपकी फैमिली की सोच सब अलग अलग है, उनको अपने साथ मिलाने के लिए अगर चलना है तो आपको समर्पण भाव करना पड़ेगा। समर्पण भाव का मतलब यह है कि आपने उनसे कोई अपेक्षा नहीं की, आपने उनसे कुछ मांगा नहीं है, आप सिर्फ इज्जत दे रहे हैं। यही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि सिंपल सी, अभी ये पारिवारिक बात हो रही है,
यही ऑफिस की बात है, ऑफिस में इतना टेंशन होता है, इतना सब कुछ होता है, आपके टारगेट्स पूरे नहीं होते, आप कहते हैं मैं कैसे करूं, मैं बहुत टेंशन में हूं, घर की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मेरे टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, ऑफिस का प्रेशर ज़्यादा है, आपके ऑफिस के कोलीग्स के साथ आपकी बनती नहीं है, गुस्सा आ जाता है, झगड़ा आ जाता है। उसका एक सिंपल सा कारण ये है कि आप, क्योंकि काम तो कभी कम होगा ही नहीं, जब इस दुनिया से जाएंगे तब भी काम चलते ही रहेंगे, आपके बिना भी काम चलते रहेंगे, पर आप ये कहेंगे कि मेरे अनुसार वहाँ का वातावरण नहीं है, आपके अनुसार ना प्रकृति चली ना वातावरण चलेगा, आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा, उसको अपने अनुकूल बनाना होगा। उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको सिंपल सी बात है, चपड़ासी से लेके आपके अपने ऑफिस में साथ में काम करने वाले से लेकर, आपको एक सद्भाव दिखाना पड़ेगा, आपको आदर करना पड़ेगा, उनकी भावनाओं का आदर करना पड़ेगा। मैं एक आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपका एक पियोन आपके लिए चाय लेके आता है, अगर आपने अच्छे से उसको स्वीकार कर लिया, हृदय से उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके चेहरे की खुशी, उसकी दुआ आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी, वो आपको थैंक्स करेगा अंदर से, जबानी करे ना करे आपको शक्ल पे नजर आएगा, यहाँ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। एक सिंपल सा जवाब आता है कि मैं काम नहीं कर पाता, काम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपने अपने आसपास एक नेगेटिविटी खड़ी कर ली है। नेगेटिविटी कैसे, एक दूसरे के प्रति भाव आपने खड़ा कर लिया है कि शायद ये मेरा नुकसान, ये मुझे नहीं चाहता, एक अलग से आपने एक एनवायरमेंट खड़ा कर लिया। अब होता ही है कि अगर आपको एक चाय वाला, अगर आपको एक सिंपल ऑफिस का पियोन अगर आपको चाय दे के जा रहा है, आप एक अच्छा सा भाव दिखाते हैं उसे, एक्सेप्ट करते हैं उसे, वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए छोड़ के जा रहा है, वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब उसके बाद आपके ऑफिस के लोग आपके पास आके बात करते हैं, आप अच्छे से बात करते हैं, एक सद्भाव आप दिखाते हैं, आपने अपने पूरे शरीर के इर्द गिर्द आपने एक पॉजिटिव एनर्जी खड़ी कर ली। कौन कहता है जब इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप ब्रह्मांड से ले रहे हैं, आपके साथ इतनी सारी आत्माएं इकट्ठी हैं, इतने सारे लोग जो परमात्मा से कनेक्टेड हैं, वो आपको दुआएं दे रहे हैं, कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर पाए, ये 100% सत्य है, क्योंकि आपने समर्पण किया है, आपने सरेंडर किया है इस ब्रह्मांड के लिए, इससे आप कनेक्टेड हैं, और यही एक समाधान है चिंता से मुक्त होने का। अब आप पूछेंगे इससे लिंक क्या है, इससे एक सिंपल सा एक कनेक्शन है, अगर आप ऑफिस में एक अच्छा सा वातावरण बनाते हैं तो वही वातावरण आप अपने घर पे लेके जा रहे हैं, और जब घर पे लेके जा रहे हैं तो आप देखिए, जब ऑफिस से घर जा रहे हैं तो आप सरेंडर होके जा रहे हैं वातावरण से, घर पे भी आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपने सरेंडर है, अगर वो आपके प्रतिकूल नहीं भी हैं तो भी आपने पूरी की पूरी पॉजिटिव एनर्जी अपने घर पे छोड़ दी ऑफिस की, आपकी प्रोडक्टिविटी वहाँ बढ़ गई है, आपको घर का वातावरण आपके अनुकूल बनना शुरू हो गया है, खुशी की लहर वहीं से आनी शुरू हो गई, चिंता वहीं खत्म हो गई, चिंताएं वहीं खत्म हो गई, क्योंकि आपका साथ देने के लिए आपकी फैमिली आ गई, आपका साथ देने के लिए आपके ऑफिस वाले आ गए, तो समस्या का समाधान तो यहीं पे खत्म हो गया, आपको इतनी चिंता की जरूरत ही नहीं है। और ये जैसे 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 चलता चला जाएगा, वैसे वैसे आप हल्के होते चले जाएंगे। अब सिंपल सा है कि आप ये कहेंगे कि कहना है बड़ा आसान है, करना मुश्किल है, उसके लिए एक बड़ी सिंपल सी चीज होती है, आप सिर्फ आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को आप कनेक्ट रहे, क्योंकि जब तक आप जुड़ेंगे नहीं आपकी पॉजिटिविटी ऊपर उठेगी नहीं।